पंजाब हरियाणा के खनोरी और शंभू बॉर्डर बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले आज यानी गुरुवार को किसान अपनी अगली रणनीति बनाएंगे। आज किसान पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेगा। वहीं किसान मजदूर संघर्ष समिति और संयुक्त किसान मोर्चा की इस लड़ाई के बीच अब SKM भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो रहा है। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने बताया कि SKM ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्षी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे से समय मांगा है। किसानों ने 2 जुलाई को बैठक की मांग की है, लेकिन अभी तक तीनों नेताओं की ओर से बैठक को लेकर कोई जवाब नहीं आया है। इस बैठक में MSP गारंटी कानून और अन्य मुद्दों पर बातचीत होनी है। किसान नेता सरवन सिंह पधेर ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। ये विरोध प्रदर्शन केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ बॉर्डर न खोलने पर किए जाएंगे। किसान नेताओं का कहना है कि बॉर्डर न खोले जाने से व्यापारी वर्ग और आम जनता नाखुश है। ये बॉर्डर किसानों ने बंद नहीं किए, बल्कि राज्य सरकार ने रास्ता रोका है। सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हरियाणा सरकार ने जश्नदीप सिंह रंघावा, सिबाश कबीराज, सुमित कुमार और 3 DSP अमित भाटिया, राम कुमार और नरेंद्र सिंह के नाम गैलेक्ट्री अवार्ड के लिए भेजे हैं। ये सभी वो अधिकारी हैं जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई। हरियाणा सरकार के इस फैसले के खिलाफ देश भर में भाजपा के पुतले भी जलाए जाएंगे। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।